जर्रा बस से आ रहा था तत्काल कोटे का टिकट पकड़ा। लखनऊ, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ और ट्रेनों में कन्फर्म सीट। लखनऊ, गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ और ट्रेनों में कन्फर्म सीटों की मारामारी का फायदा सक्रिय दलाल उठा रहे हैं, जहां यात्रियों से मनमाना टिकट की कीमत वसूल करते हैं। ऐसा ही मुंबई में सक्रिय एक सिंडिकेट के इशारे पर यूपी के कई रेलवे स्टेशनों के रेल आरक्षण केंद्रों पर बनवाए गए तत्काल कोटे के टिकट के साथ एक और करियर दबोचा गया है। इस बार प्रयागराज डिपो की जनरल बस से तत्काल कोटे के टिकट को लखनऊ भेजा गया। इसकी खनक आरपीएफ लखनऊ जंक्शन की क्राइम ब्रांच को मिली। करियर को 41,000 रुपये की कीमत के 6 टिकटों के साथ दबोचा गया। इससे पहले आरपीएफ ने सिंगरौली में बने तत्काल टिकटों के साथ करियर सलमान को पकड़ा था। मुंबई के कल्याण निवासी दलाल रमेश कुमार खत्री यूपी के कई दलालों के संपर्क में हैं। उसने बताया कि मुंबई के दलाल रमेश कुमार खत्री के कहने पर बने 6 तत्काल टिकटों को परिवहन निगम की प्रयागराज डिपो की जनरल बस UP3-2NN0354 के कंडक्टर के जरिए लखनऊ भेजा गया था। इन टिकटों को कंडक्टर से प्राप्त करके सीधे यात्रियों को ट्रेन में पहुंचाने की तैयारी थी। रमेश कुमार खत्री पड़ी, गोरखपुर, गोंडा जैसे स्टेशनों से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों के टिकट बनवाने के रैकेट में शामिल रहा है। क्राइम ब्रांच के साथ लोगों की टीम ने पकड़ा। टिकट को बसों और ट्रेनों से मंगवा कर यात्रियों तक पहुंचाने की सूचना क्राइम ब्रांच को मिली। क्राइम ब्रांच के साथ लोगों की टीम ने सक्रिय गैंग के एक सदस्य को पकड़ा। टीम में निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक करुणेश कुमार मिश्र, कांस्टेबल राज नारायण राय, हेमंत कुमार भारती की टीम ने मवैया रेलवे पुल के नीचे उन्नाव निवासी करुणेश कुमार पांडे को तत्काल के 41,580 रुपये के 6 टिकटों के साथ पकड़ा।